हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी किंगडम में। तो आज हम जानेंगे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में कि हम रोते क्यों हैं, क्या कारण है कि हमारी आंखों से आंसू आते हैं। और हम सभी ने सुना होगा और महसूस भी किया होगा कि जब भी हम रोते हैं तो उसके बाद हमें काफी ज्यादा बेटर फील होता है, तो इसका क्या कारण है सोचिए। और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको लास्ट तक मिल जाएगा कि जब हम रोते हैं तो रोने के बाद हमें बेटर फील क्यों होता है, इसका क्या कारण है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये टीयर्स हैं क्या, इससे बने होते हैं, कहां से आते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि टीयर्स क्या हैं, तो ये टीयर्स कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं सलाइवा की तरह, लेकिन इसमें क्या है, इसमें काफी अमाउंट में वाटर देखने को मिलता है, प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, प्लस प्रोटीन्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में स्पेशली सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, ये जो सारे के सारे कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में, यही रीजन है कि जो हमारे टीयर्स होते हैं सोल्टी नेचर के होते हैं। इसके साथ प्रोटीन्स होंगे, कौन कौन से प्रोटीन्स होंगे, IgA, लाइसोजाइम एक्सेट्रा। तो ये था कि टीयर्स कैसे बने होते हैं, इनके अंदर क्या ऐसा कंपाउंड है जिसकी वजह से टीयर्स सॉल्टी नेचर के हमें देखने को मिलते हैं। ये जो हमारी आई बोल है, इसके ऊपर आईलिड के पास एक हमारे लक्रिमल ग्लैंड पाया जाता है, जिसका क्या काम होता है, टीयर्स को सिक्रीट करना। और ये क्या करता है, एक्सेस अमाउंट में टीयर्स को सिक्रीट करता है, और जिसकी वजह से टीयर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो अपर लिड है, वहां से लक्रिमल ग्लैंड से टीयर्स सिक्रीट होते हैं, और ये कहां पे आते हैं, आई बोल के नीचे लिड होती है, वहां पे एक पार्ट होता है, एक सैक देखने को मिलता है, जिसको हम लैक्रिमल सैक के नाम से जानते हैं, या फिर बोल सकते हैं लैक्रिमल पेंटा। ये जो ग्लैंड है ये क्या करता है, ये टीयर्स को होल्ड करने का काम करता है। लेकिन जब एक्सेस अमाउंट में टीयर्स हमारी आंखों से आते हैं तो क्या होता है, ये जो लैक्रिमल सैक है ये आंसुओं को ये क्या करता है, होल्ड नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से ये जो आंसू हैं, ये जो टीयर्स हैं, हमारी आंखों से बाहर आते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा होगा कि जब हम एक्सेस अमाउंट में काफी देर तक अगर रोते रहे, काफी ज्यादा रोए, तो क्या देखने को मिलता है, हमारी जो नाक होती है वो भी बहने लगती है। तो इसका क्या कारण है, इसका यही कारण है कि जो हमारी नोज होती है, नोज की बैक साइड और आई की फ्रंट साइड मतलब की लक्रिमल सैक, और ये जो हमारी नोज की बैक साइड है जिसे हम नेजो लक्रिमल डक्ट के नाम से जानते हैं, तो क्या देखने को मिलता है, जब हम काफी ज्यादा रोते हैं तो ये जो टीयर्स होते हैं काफी अमाउंट में बाहर निकलते हैं। तो ये जो लैक्रिमल सैक है इन्हें होल्ड नहीं कर पाता है, नेजो लैक्रिमल ग्लैंड है ये क्या करता है, टीयर्स को होल्ड कर लेता है, और ये जो हमारी नाक में आने लगता है, जिसकी वजह से हम रोते हैं, और रोने के साथ साथ हमारी ये जो नाक है वो बहने लगती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो टीयर्स हैं कितने फॉर्म में देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी में। तो ये तीन टाइप के होते हैं, पहला है बेसल इमोशनल रिफ्लेक्स। सबसे पहले बात करते हैं बेसल टीयर्स के बारे में, जिनको हम बर्कर टीयर्स के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि इनका क्या काम होता है, टू नरिश आर आई, ये हमारी आईज को क्या करते हैं, नरिश करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं। क्यों, क्योंकि जिससे ये जो हमारी आईज हैं ये कभी भी ड्राई आउट नहीं होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन देखने को मिलता है बेसल टीयर्स का, क्योंकि अगर बेसल टीयर्स ना हो हमारी आंखों में तो हमारी आंखें जो है वो ड्राई आउट हो सकती हैं, जिसकी वजह से इंजरी हो सकती है और डिजीज हो सकती है हमें। तो हम बोल सकते हैं कि बेसल टीयर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आई का जो कॉर्निया है उसे ट्रांसपेरेंट रखने में हेल्पफुल होते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें रिफ्लेक्स टीयर्स के बारे में, अब ये रिफ्लेक्स टीयर्स क्या है, ये जो टीयर्स हैं ये क्या करते हैं, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को वॉश आउट करते हैं हमारी आई से। हमने देखा होगा जब भी हम ओनियन को कट करते हैं, या फिर कभी हम चले हों और तेज हवाएं आने लगे तो हमारी आंखों से पानी आने लगता है, ठीक है, या कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारी आंखों में आ जाता है, रिएक्ट करता है, हमारी आईज उन्हें टॉलरेट नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारी आंखों से पानी बहता है। तो वो जो पानी होता है, वो जो टीयर्स आते हैं, उनको ही हम रिफ्लेक्स टीयर्स के नाम से जानते हैं। तो वी कैन से दैट रिफ्लेक्स टीयर्स आर वॉश आउट एनी इरिटेशन। एट लास्ट हम बात करते हैं इमोशनल टीयर्स के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमोशनल टीयर्स को हम एज अ नेचुरल पेन किलर के नाम से जानते हैं, साइकिक और क्राइंग टीयर्स के नाम से जानते हैं। ये जो टीयर्स होते हैं ये तभी आते हैं जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन हमारी बॉडी के अंदर होता है, जैसे कि जब हमें काफी ज्यादा गुस्सा आता है, या हम स्ट्रेस में होते हैं, या काफी खुश होते हैं, या फिर काफी उदास भी होते हैं, या फिर कोई फिजिकल पेन होती है, उसके कारण इमोशनल टीयर्स हमारी आंखों से सीक्रेट होने लगते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसको हमने नेचुरल पेन किलर बोला है, और ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि ये जो इमोशनल टीयर्स होते हैं इनके अंदर एक नेचुरल पेन किलर होता है जिसका नाम है ल्यूसिन एंटीफेलिन। इसी के कारण जब हम रोते हैं तो हमें ये बोला जाता है कि टीयर्स क्राइंग अवे स्ट्रेस हार्मोन ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि जब भी हम रोते हैं तो हमने ये देखा है कि हमें काफी अच्छा महसूस होता है, काफी बेटर फील करते हैं हम, ये इसका यही कारण है। जब हमारी आंखों से इमोशनल टीयर्स आते हैं तो वो क्या करते हैं, नेचुरल पेन किलर को सीक्रेट करते हैं, जो कि ल्यूसिन एंटीफेलिन है, जिसकी वजह से जब, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज का आंसर मिल गया होगा कि व्हाई यू फील बेटर आफ्टर अ गुड क्राई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे आपको फ्री स्टडी, फ्री नोट्स और जो भी करंट अफेयर्स हैं वहाँ पे मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।